हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय कुमार है और मुझे, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी अच्छा, तो ये फेसबुक लाइव के थ्रू है? अच्छा ठीक है, तो शुक्रिया, आप लोग ने बता दिया कि ये फेसबुक लाइव चल रहा है। जी तो आज क्या है कि वंचित प्रश्न एक फेसबुक पेज है, इसके साथ पूजा प्रजापति जी जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने आज मुझसे कहा कि आप बिहार इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट भी है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि, पूजा जी ने कहा कि आप क्यों नहीं बिहार इलेक्शंस के बारे में कुछ बात रखते हैं। हालांकि हो क्या रहा है कि मैं बहुत ही मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में मैं तो हूं नहीं कि नेता लोगों का मैं उनका बयान ले रहा हूं या उनके पीछे चल रहा हूं, कुछ मुझे इनसाइट मिल रही है वहां से, ऐसा तो कुछ है नहीं। थोड़ा डिस्टेंस मेरा गेज है मतलब पॉलिटिक्स को लेकर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था बात रखने के लिए, मगर फिर भी सोचने और समझने की और बात रखने की सलाहियत तो सबके पास होती है। तो बिहार इलेक्शंस के बारे में आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शंस का जो कैंपेन है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, और जहां तक आपको ये फैक्चुअल जो बातें हैं वो ये है कि 10 नवंबर को, यानी आज से तकरीबन 20 दिन बाद, बिहार असेंबली इलेक्शंस 2020 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और ये जो है थ्री फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं। और पिछले बार शायद ये 5 फेजेस में या 4 फेजेस में हुए थे, तो इस बार फेजेस कम कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। 243 सीट्स हैं बिहार, तो अगर देखा जाए तो छोटा स्टेट नहीं है बिहार, बड़ा स्टेट है 243। और जिस भी पार्टी को 122 सीट्स जिनको मिल जाएगी वो सरकार बनाएंगे बिहार में। तो अभी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और वे चौथी बार सीएम बनने की के लिए जनता के पास गए हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि लड़ाई किनके बीच में, मतलब डायरेक्ट लड़ाई है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि इस बार प्लेयर्स बहुत सारे हैं इस इलेक्शन में, बहुत सारे प्लेयर्स, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी बना हुआ। तो जो रूलिंग पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके लीडर नीतीश कुमार साहब और उनके साथ बीजेपी हैं, तो ये काफी एक फॉर्मिडेबल पार्टी, दो एक अलायंस है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि उन लोगों का परफॉर्मेंस बीजेपी और जेडीयू अगर एक साथ आ जाती है तो क्या होगा। तो मैंने जब देखा इसको आज सवेरे ही मैंने कुछ रिसर्च किया और इसको एक बार फिर से देखा, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये मतलब बीजेपी और जेडीयू के मिल जाने से वो लोग हो बहुत, मतलब उनका वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। और एक बार आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक चीज़ें देखिए क्या हुआ था कि पिछले बार मतलब 2015 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की सीट बहुत कम हो गई थी, मतलब उनको बहुत नुकसान हुआ, तो उनको सिर्फ 53 सीट्स ही आई थी, जो कि 2009 के मुकाबले में काफ़ी सीट, शायद 30-40 सीट उनकी कम हो गई थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 24% है, मतलब 24% बीजेपी का वोट परसेंटेज है, और अगर इसमें अगर आप जेडीयू के वोट परसेंटेज को अगर आप जोड़ देते हैं जो कि तकरीबन 18% के करीब में है, तो 24 और 18 मतलब 24 और 18 जो होता है वो तकरीबन 40-42 फीसद जो है उनका वोटिंग परसेंटेज हो जाता है, और ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है इनके पास, मतलब ये काफ़ी बड़ा वोट, जी 18% जेडीयू को है और 24% जो है
वो बीजेपी को है, तो 42% जो है वो काफ़ी वोट हो जाता है। तो अगर इस लिहाज से आप देखें तो मुझे कहने में कोई शक नहीं कि नीतीश और बीजेपी एक बहुत ही मजबूत दावेदार इस इलेक्शन में एक बार फिर दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की कुछ कुछ कमजोरी भी है। बीजेपी की कमजोरी जैसे कि इस बार चिराग पासवान जो है, जो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, वो इस बार पता नहीं क्यों नीतीश जी के खिलाफ बगावत के सुर जो हैं बगावत की जो आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है कि इम्प्रेशन इस तरह से वो दे रहे हैं ये आपको चिराग साहब कि जेडीयू जो है वो एक वो मतलब बूढ़ा घोड़ा हो चुका है, अब नीतीश के दिल लग चुके हैं और बिहार में जेडीयू के जगह पे एलजीपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। तो ये भी एंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिहार में चाहे आप रामविलास पासवान जी को पसंद करते हो या ना करते हो, उनका एक अपना वोट परसेंटेज है, उनका एक वोट बैंक है, तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहा है कि ये मतलब ये मास्टर प्लान बीजेपी की है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का मास्टर प्लान है, वो चाह रहे हैं कि नीतीश को या नीतीश कुमार को थोड़ा सा उनको अपनी हुदूद में, अपने सीमा में रखने के लिए, अपनी औकात जो कहते हैं कि उनको औकात में रखने के लिए, और शायद नीतीश कुमार से जो काम बीजेपी को लेना था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वो काम पूरा हो चुका है और बीजेपी काफ़ी डेस्परेट है कि वो बिहार में उसकी सत्ता खुद उसके पास आए। आप सब लोगों को पता है कि जब 1990 में लालू प्रसाद जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय जो पिछड़ों का और बैकवर्ड क्लासेस का एक बहुत बड़ा उभार हुआ था तो वो वहाँ के स्वर्ण जो लोग थे उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे इलाके में भी हम लोग भी जब बच्चे थे तो हुआ क्या कि 95 का इलेक्शंस मुझे याद है, तो मेरे आसपास के जो लोग कहते थे वो कहते थे जो कि वो मतलब स्वर्ण मानसिकता का वो इलाका था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो जो रेडियो सुनने वाले जो लोग थे वो कह रहे थे कि लालू हार रहे हैं इस बार, लालू हार रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है लालू हार रहे हैं, तो लोग बहुत तो खुश हो रहे थे कि लालू हार रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब काउंटिंग और जब रिजल्ट आने लगा तो लालू की सीट कम नहीं हो रही थी, तो मैंने पूछा एक मेरे मतलब एक बड़े बुजुर्ग से, मैंने कहा लालू तो नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ अभी झारखंड में मतलब उधर से आ रहा है रिजल्ट, उस समय ईवीएम नहीं था, बैलेट से पोलिंग होती थी, इधर नॉर्थ बिहार में जब आएंगे तो लालू पूरी तरह से हार जाएंगे। तो एक बड़ी बेचैनी थी स्वर्णों के बीच में कि किसी तरह से लालू को हराया जाए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि राजनीति में अगर किसी को सबसे ज़्यादा स्वर्णों ने टारगेट किया है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, वो बहन मायावती हैं, वो कुछ हद तक आप कर्पूरी ठाकुर को भी कह सकते हैं, विश्वनाथ प्रसाद सिंह को भी कह सकते हैं, बीपी सिंह को भी कह सकते हैं, लेकिन शायद लालू प्रसाद जहाँ तक मेरी मेमोरी है, मतलब जहाँ तक मेरा जो तजर्बा है उसमें लोगों को लगता है कि लालू प्रसाद जो है स्वर्णों के जो है उनकी आइज़ में, उनकी नज़र में बहुत ही ये है, मतलब उन्होंने बहुत बुरा कर दिया, जंगल राज आ गया, और यहाँ तक होती थी कि मेरे इलाके में लोग ये कहते थे कि स्वर्णों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव स्वर्णों को नौकरी नहीं देना चाहता है। और वही आज अगर स्वर्णों को नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी लालू जी के ज़माने में भी लोगों को कम मिली और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो उस लालू जी के ज़माने में नहीं लोग अगर नौकरी मिली तो वहाँ पे क्या नैरेटिव मीडिया ने चलाया और बड़े लोगों ने चलाया कि लालू जो है वो जंगल राज चाहता है। और आज अगर आप सवाल पूछेंगे कि नौकरी नहीं है आप क्या चाहते हैं तो कहते हैं अरे देश के अंदर में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है तो आप नौकरी कैसे मांग सकते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा नीतीश जी को कि एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग था जब नीतीश जी को आगे किया गया था, और वो क्या थे, नीतीश जी को आगे किया गया था और नीतीश जी एक पिछड़ा फेस थे और पीछे से स्वर्ण लोगों ने उनको मतलब उनको बैकअप दिया, मीडिया पूरी तरह से उनके पीछे आई, फिर उनका इमेज बना सुशासन बाबू, और जो सुशासन बाबू का इमेज बनाने वाले जो पत्रकार थे आज वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं
और किसानों के बिल पे अगर अपोजिशन पार्टी कहती है कि इस पे आप वोटिंग कराइए तो वो ज़बरदस्ती इसको पास करा देते हैं। तो आप देखिए पूरा का पूरा खेल है। तो बीजेपी ने नीतीश जी का इस्तेमाल किया, लेकिन अब शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर उसे दिल्ली में अपनी सत्ता बनानी रखनी है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसको बिहार में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। और इसलिए मैंने भी देखा है कि बीजेपी के जो लीडर हैं उनके अंदर में एक छटपटाहट होती है कि हमारा राज क्यों नहीं, बीजेपी का रूल क्यों नहीं, मोदी जी हर जगह मतलब सरकार बना चुके हैं, हमारे भाजपा के हाथों में सत्ता हर तरफ आ चुकी है, मतलब आपको कहाँ नहीं, आसाम में सत्ता आ गई, त्रिपुरा में आ गई सत्ता, जहाँ एक ज़माने तक वामपंथी लोग सरकार बनाए हुए थे। तो बिहार उनको लग रहा है कि बिहार के अंदर में उनकी सरकार बननी चाहिए, और इसीलिए इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक 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 एंगल ये भी हो सकता है कि चिराग को आगे करके किसी तरह से शायद नीतीश का जो सीट है उसको कम किया जाए और फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा समीकरण बनाया जाए जिसमें बीजेपी जो है वो ए टीम बन जाए बी टीम के बजाय में। तो ये उनकी है, लेकिन राजनीति की सब बातें अगर मुझे पता अगर चल जाए और आपको पता चल जाए तो फिर वो राजनीति होती ही नहीं है, बहुत सारी और सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाया तो उसमें ये चिराग पासवान का भी आना एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो नंबर वन वीकनेस तो उनका ये है, मतलब एक तरफ से जो मजबूती आप देख रहे हैं कि 42% जेडीयू और बीजेपी के मिल जाने से होता है, तो ये उनकी कमजोरी ये है कि लोजपा जो है वो चीज़ों को कन्फ्यूज कर रहा है, वो मतलब वो कन्फ्यूज कर रहा है। और अभी देखिए एक ट्वीट आया था चिराग पासवान जी का, मैं अभी आपको सोचता हूँ कि मैं आपके सामने शेयर कर दूँ अभी। जी अभी उनका आया था ये ट्वीट है आपको 19 तारीख को यानी कल के रोज आया था। आप सभी के स्नेह आशीर्वाद के साथ से बिहार में जेडीयू से ज़्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी, असंभव नीतीश। तो कह रहे कि नीतीश पॉसिबल अब नहीं है और नंबर वन बिहार बनेगा, नंबर वन LGP बनेगा और नंबर वन NDA बनेगा। तो ये भी एक एंगल है, तो ये शायद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है आपको मतलब जो NDA के खिलाफ जा सकती है कि 15 साल का रूल जो है नीतीश कुमार का, तो उसकी वजह से असंतोष और बेचैनियाँ तो बढ़ी हुई हैं। वो मीडिया की मदद से इस चीज़ों को छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कोरोना संकट में जिस तरह से प्रवासी मजदूर बिहार से दिल्ली और दूसरे इलाकों में गए हुए हैं, वहाँ पे जिस तरह से नीतीश सरकार पूरी तरह से मतलब नाकाम हुई है उनको मतलब किसी तरह से राहत देने में, तो ये मुझे लगता है कि इस बात को जो मजदूर हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के, वो शायद इस बात को नहीं भूले हैं कि कैसे उनको कोरोना के दौरान कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी, खाने को दिक्कत हुई, पुलिस के डंडे पड़े क्योंकि बहुत लोगों को हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, फिर जैसे ही बॉर्डर पे आए तो उनको पकड़ के स्कूल के अंदर में रखा गया, तो वहाँ पे चूहे आए तो उनको खाना नहीं मिला और फिर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ और फिर क्या चला कि बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। तो आप देखिए एक कोरोना से, देखिए कोरोना में नीतीश कुमार जी ही नहीं सेंटर की गवर्नमेंट भी मतलब बुरी तरह से मतलब नाकाम रही है। और देखिए कितनी मतलब अफसोस की बात है कि जब कोरोना के केस कम थे तो लॉकडाउन हुआ और उस समय मोदी जी रोज आते थे और लोगों को बताते थे कि थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना को महाभारत के युद्ध की तरह 17 या 18 दिन या 21 दिन में हम हरा देंगे। आप पहले कहा था 21 दिन में, महाभारत का युद्ध शायद 17 दिन या 18 दिन चला था और कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है वो 21 दिन चला हुआ था। आप बताइए उसके अगले रोज जिस दिन मोदी जी ने कहा, अगर आप कहते कि नहीं 21 दिन में युद्ध नहीं हो पाएगा तो लोग कहते अरे तुम तो एंटी नेशनल हो। आज देखिए 6-7-8 महीना गुजर जाने के बाद किसी को कोई क्लू नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब सिनेमा हॉल को खोलने की बात हो रही है, आपको रेस्टोरेंट खुल गए हैं, गाड़ियां चलने लगेंगी हैं, बाजार में भीड़ होने लगी है, मॉल खुल गई है, लेकिन JNU जैसे इदारे में अगर आप JNU जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे अगर जाके यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहते हैं, अपना स्कूल खुलवाना चाहते हैं, कुछ फेज मैनर में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे वाइस चांसलर साहब क्या करें कि नहीं JNU नहीं खुलेगा,
क्योंकि ये इसलिए बंद है क्योंकि आपकी सुरक्षा में बंद है। तो सवाल कोई पूछ सकता है कि वाइस चांसलर साहब, ये जो JNU बंद है तो वो तो उनके साथ छात्रों के सुरक्षा में है, लेकिन शाम को आपकी गाड़ी मॉल में जाती है तो उससे कैसे कोरोना फैलता है या रुक जाता है? तो कोरोना के साथ काल में जो सरकार जिस तरह से नाकाम हुई है, वो बात को जनता भूली नहीं है कि ना हेल्थ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ मन की बात। और ये और इसमें नीतीश कुमार जी भी बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो आप देखिए, तीन चीज़ें मुझे लग रहा है कि जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जा सकती है। एक, चिराग पासवान का एंगल। दूसरा, BJP भी अंदर से मतलब षड्यंत्र कुछ हो रहा है, कुछ नया समीकरण आने वाला है। दूसरा कि मतलब नीतीश जी के खिलाफ बहुत नाराजगी है, और कोरोना काल में उन्होंने किसी भी मतलब मजदूर को और किसान को और जो भी प्रवासी लोग थे उनके साथ कोई राहत नहीं दी गई, वहाँ पर बिल्कुल मिसमैनेजमेंट था। अस्पताल का जो हाल था, मैं PMCH में किस तरह से लोग आते थे और दूर से उनको देखा जाता था और कैसे लोग मरे, ये सब कहानी आपसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे जो बिहार और पटना में रह रहे हैं। तो ये उनके खिलाफ जा सकता है। और एक और चीज़ है नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकता है, वो ये है कि आप 2015 के इलेक्शंस को याद कीजिए। आप लोग नीतीश जी घूम घूम के, मैं उस समय मिली गजेट के लिए पूरे बिहार का मैंने भ्रमण किया और मैंने अखबार में लिखा पिछले बार जाके, एक मतलब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन के। तो नीतीश जी क्या कहते थे, असंभव है BJP के साथ जाना, असंभव है BJP के साथ ना, मिट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन BJP के साथ नहीं जाएंगे। और हुआ क्या, जनता ने JDU को और RJD को समर्थन दिया और कहा कि एक सेकुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए। और उधर से छोटे मोदी जी, सुशील मोदी जी ये कह रहे थे, अरे नीतीश ने किसको नहीं ठगा है, इसने लालू यादव को ठगा है, इसने किसको नहीं ठगा है। तो एक साहब कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन BJP के साथ नहीं जाऊंगा। और एक साहब कह रहे हैं कि नीतीश से बड़ा कोई ठग नहीं है, सुनते रहिए। और हुआ क्या कि 2-4-6 महीने के बाद इन्होंने ऐसी गणित बनाई और ऐसा उन्होंने खेल खेला कि पूरा का पूरा जनादेश है उसको उन्होंने उसकी उसके टुकड़े टुकड़े किए और जनता को उन्होंने धोखा दिया। मैं अगर मैं फिल्मी अंदाज में कहूँ तो छुरा भोका उसको पीठ में उन्होंने छुरा भोका। तो मुझे लगता है खासकर जो सेकुलर वोटर्स है वो अपने आप को जिस तरह से चीटेड महसूस कर रहा है, तो वो इस बार नीतीश जी और उनको ये बात जब वोट करने जाएगा तो जरूर उनको याद करेगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, फिर उसके बाद जो सेकुलर जो वोटर्स है वो भी याद करेगा कि आपने कहा था मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कम्युनल फोर्सेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और कोई कहा कि वो ठग है लेकिन कैसे दोनों लोग मिल गए। और आपको याद मैं बता दूं कि पिछले बार सबसे ज़्यादा कामयाब अगर कोई पार्टी हुई थी 2015 के इलेक्शंस में तो वो RJD हुई थी, 80 सीट उनके आए हुए थे। आप बताइए, मतलब 101 सीट शायद उनको मिला हुआ था, 101 सीट में से अगर उनको 80 आ गए तो आप साहब आप ही बताइए दिल से, 80% अगर कोई मार्क्स लाता है एग्जाम में तो क्या उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? क्या उसको गद्दी पर बैठने का हक नहीं है? और BJP ने 157 सीट्स पे लड़ा था और उनके आए थे सीट 50, यानी उनका सक्सेस रेट अगर मानिए तो 33% है। और RJD का सक्सेस परसेंट जो है, जनता का जो एतमाद विश्वास है, वो है 80%। तो 80% जो पार्टी थी उसने कहा, नीतीश जी तेजस्वी ने कहा कि चाचा नीतीश आप ही चीफ मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन ये चाचा जी जो थे उन्होंने भतीजे को छोड़ दिया और तरह तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, और जो 33% जिसका सक्सेस रेट था उस पार्टी के साथ चले गए थे, जिसको 2 दिन पहले तक ये कहते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन उस पार्टी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे काफ़ी सजग है और इन बातों को जरूर याद रखेगी, क्योंकि बिहार, देखिए मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने पर कुछ फख्र महसूस नहीं करता, लेकिन ये तो कह रहा हूँ कि भाई 74 का आंदोलन भी तो बिहारी से शुरू हुआ, और रिजर्वेशंस की जो परंपरा है और रिजर्वेशंस और सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है वो कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में बिहारी से शुरू हुआ, सामाजिक लड़ाई की जो राजनीति है वो बिहारी से शुरू हुआ, और आज जो अपने आप को पिछड़ा पिछड़ा कह रहा है, जो गुजरात का एक पिछड़ा नेता है, उनको पिछड़ा जुबान किसने दी, वो तो बिहार से ही उनको मिला हुआ है। बोलिए
बोलिए किसने दी है वो पिछड़ा की बात? आजकल जो भाजपा में जो बैठे हुए लोग कह रहे हैं अरे पिछड़े का अपमान हुआ, कांग्रेस ने पिछड़े का अपमान किया, तो पिछड़े की और सोशल जस्टिस की बात उन्होंने कहां से नकल की है? आप बताइए कहां से नकल की है उन्होंने? सामाजिक न्याय की पार्टियों से तो नकल की है, तो आप कैसे भूल सकते हैं मतलब? और लालू प्रसाद यादव की आलोचना आप कीजिए, लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा पॉलिटिकल साइंस है ये। जब रथ यात्रा निकल रहा है तो लालू प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं? गांधी मैदान में कोई मीटिंग हुई थी, आप उसको सुनिए। ए अडवाणी जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, गरीब की जान की जितनी कीमत है उतनी आपकी भी है। जब इंसान ही नहीं रहेगा मंदिर में और मस्जिद में, वही नहीं बचेगा, तो घंटा कौन बजाएगा, इबादत कौन करेगा? ये आप देख रहे हैं कितना पावरफुल मैसेज है। तो ये तो मतलब ये बिहार तो है ऐसा, तो देखिए कुछ बिहार कुछ। और पिछले बार भी बिहार ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया था, तो हम तो यही चाहेंगे कि कुछ सूझबूझ का परिचय बिहार इस बार भी दे। लेकिन अब आप कहेंगे कि अरे आप तो नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ कहा, आरजेडी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या वहाँ सब कुछ सही चल रहा है? कुछ दोस्त लोग मेरे पूछ रहे होंगे अरे आप तो पत्रकार होने का नाटक करते हैं लेकिन आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह की बातें मेरे ऊपर भी आती हैं, क्या पत्रकार कम है और रिसर्चर कम है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर वोट परसेंटेज को अगर आप देखें तो आरजेडी का वोट परसेंटेज पिछले बार शायद 18% के करीब में था, 18% के करीब में था, और कांग्रेस का तकरीबन 7% के करीब में था, तो और 2-3% लेफ्ट लोगों को मिला लीजिए, तो तकरीबन इनका वोटिंग परसेंटेज जो है तकरीबन आपको 30% से कम ही है, और उनका 42% है। तो इस तरह से देखें तो आरजेडी तो कम से कम वोटिंग परसेंटेज में इनका जो है वो काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है, देखिए किसी भी चीज़ को देखने का एंगल अलग अलग है। एक पॉजिटिव साइड ये है कि जो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है उसको उसकी वजह से मतलब ना सिर्फ अल्पसंख्यक समाज बल्कि इंसाफ पसंद जो भी लोग हैं और न्याय प्रिय जो भी लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, वो नहीं चाहते हैं कि दिन भर जो है वो मतलब गाय गोबर की बात हो, दिन भर लव जिहाद की बात हो, दिन भर इसकी बात हो उसकी बात हो। वो चाहते हैं कि शांति से रहो यार, इंसान है शांति से रहो। पॉलिसीज लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन 80% होना चाहिए कि 70% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, इस पर बात हो सकती है, मुसलमानों को रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेकिन जान मारना, लोगों को पीट पीट के मार डालना, मतलब खाने के ऊपर सियासत करना, ये कितनी मतलब आप सोचिए कितनी बैकवर्ड और सड़ी हुई पॉलिटिक्स है। तो इससे तो लोग चाह रहे हैं कि इससे मुक्ति लोगों को मिले, क्योंकि मतलब लोग बहुत ही दुखी हो गए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी आपने फेसबुक पे लिख दिया तो आपके ऊपर ये आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, तो आपको फंसा लिया जाएगा, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये जो नाटक जो कुछ लोग कर रहे हैं, जिस तरह की जो पार्टियां हैं, और इकोनॉमिक एजेंडा उनके पास कुछ भी नहीं है उस पार्टियों, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि एक सेकुलर पार्टी जो है बिहार के अंदर में आए। और जिस तरह से धोखा नीतीश कुमार जी ने पिछले बार जो सेकुलर मैंडेट को दिया था उसको लेके इस बार लोगों का एक जो रुझान है वो मतलब आप अगर सिर्फ आंकड़ों से दूर जाएं तो वो जरूर मतलब ये महागठबंधन के फेवर में एक रुझान दिख रहा है। और उसमें आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो ये महागठबंधन ने जो मैनिफेस्टो लाया है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के कुछ उनके एक दो पॉइंट्स बताएंगे, काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और जिन लोगों को लगता है मेरे भाई जो सुवर्ण समाज से आते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि जरा एक बार सोचिए, आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी या महागठबंधन या सामाजिक न्याय के जो पार्टियां हैं वो सुवर्णों के काफ़ी खिलाफ है? अरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि एक बार आप मैनिफेस्टो महागठबंधन का पढ़ लीजिए और एक पॉइंट आप उसमें दिखा दीजिए जो कि सुवर्णों के हित के खिलाफ हो, अपर कास्ट के हित के खिलाफ हो। ये आपके फेवर में है, आपको पता है एक बात उसमें लिखा हुआ है कि 12% मतलब महागठबंधन के मतलब मैनिफेस्टो में है
कि शिक्षा पे बजट 12% होगा। अब सुनिए, जब 12% शिक्षा पे बजट होगा तो क्या स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब पैसे जाएंगे तो क्या उसमें ब्राह्मण का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या उसमें राजपूत का बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसमें भूमिहार का बच्चा नहीं पढ़ेगा? तो क्या आपको महागठबंधन को आप कैसे जातिवादी कह सकते हैं? और जो लोग रेलवे को बेच रहे हैं, जो लोग नौकरियां को बंद कर दिए हैं, वो कैसे स्वर्ण समाज के मतलब भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जरा आप बताइए। वो कैसे स्वर्ण समाज के भलाई के लिए बात कर रहे हैं जो नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो रेलवे की नौकरी बंद कर दी है, जो SSC के सारे इम्तहानात बंद करी हैं, जो कॉलेज के अंदर में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जो कंपनियों के अंदर में सैलरी कम हो गई, बहुत सारी सरकारी कंपनी के अंदर में भी या तो पैसा मारा गया नहीं तो सैलरी रोक दी गई है, ये कैसे स्वर्ण समाज के फेवर में है, जरा बताइए। और जो पार्टी कह रही है कि 12% हम एजुकेशन पर खर्चा देंगे, आप लोग पता है हम लोग कहते थे अरे बजट पर जितना खर्चा हो, सॉरी शिक्षा पर जितना खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, अरे 10% मांग रहे थे, तेजस्वी जी ने कहा है 12%। अब आप कहेंगे 12% तो कर देंगे क्या? अरे भाई, तो अगर 12% नहीं करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा, उनको उनका कान पकड़ा जाएगा, जनता उनका उनके गिरबान को पकड़ के पूछेगी, क्योंकि आपने तो रिटर्न में बातें लिखी हुई। और एक और दूसरी चीज़ है, देखिए उसमें दूसरी चीज़ ये है, उनके मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो से पढ़ रहा हूँ, और प्लीज़ स्वर्ण समाज के लोग एक बार वोट देने से पहले सोच लीजिएगा। आपको लालू जी को वोट नहीं देना है मत दीजिए, तेजस्वी को नहीं देना है मत दीजिए, आप पूरी तरह से फ्री हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जरा अपने बच्चों की तकदीर, अपने बच्चों की किस्मत, उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल, उसका भविष्य जरा एक बार सोचिएगा कि 12% शिक्षा पे खर्च करने वाली पार्टियों को हक है, मतलब सरकार बनाने के लिए, या उन लोगों को हक है जो लोग हर चीज को प्रवर्टाइज कर रहे हैं, और कोरोना काल में भी जिन लोगों ने जांच के लिए पैसे मांगे थे, जिन लोग निजी कर रहे हैं शिक्षा को दूर कर रहे हैं, अगर पिछले 6 साल के दौरान अगर आप 5 यूनिवर्सिटी अगर आप मुझे बता दीजिए जो आपके राज्य में या पूरे देश में खुली है, जहां 10,000-20,000 बच्चों को तालीम मिली हुई है, तो मैं अपनी बात बदल लूंगा, मैं अपनी बात बदल लूंगा, लेकिन कोई नहीं है। कोई अस्पताल कहीं बना है? सिर्फ बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि ये जो पार्टी है वो नव उदारवादी नीति को अपनाती है। अब आप पूछेंगे नव उदारवादी नीति क्या है? नव उदारवादी नीति का मतलब है नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता है नियो लिबरल इकोनॉमिक, नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब ये होता है सिंपल, जहां बाजार नहीं हो वहां बाजार पैदा करो। सरकार जो जिम्मेदारी गरीब और वंचित तबके के लिए कर रही है उससे सरकार को पीछे खींच दो और गरीबों को गरीबों के हाल पर छोड़ दो। और सरकार, सुनिए, जब सरकार पीछे हटती है वंचित तबके के भलाई से, तो ये मत समझिए कि सरकार जाकर सो जाती है। सरकार क्या करती है? अमीरों के लिए काम करती है। अमीरों के लिए काम करने के लिए सरकार 24 आवर मुस्तैद है, लेकिन गरीबों का काम करने के लिए आप कहेंगे अरे सरकार तो धन का ये नुकसान कर रही है, सरकार धन को बर्बाद कर रही है। तो जहां बाजार नहीं है वहां बाजार क्रिएट करना इनका काम है। ये जो पार्टी, जो पिछले 6 साल से जो पार्टी सत्ता में है, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या इन्होंने बाजारवाद को बढ़ाया है या बाजारवाद को कम किया है? आप बताइए। तो क्या आप बाजारवाद, जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग साधारण लोग हैं, वो बाजार में जी पाएंगे? आप बताइए। रेलवे का किराया कितना बढ़ा हुआ है? आप बताइए कितना बड़ा हुआ है। क्या गरीब आदमी को रेलवे से अपने घर नहीं भेज सकते थे? आप बताइए। और कौन सा कोरोना के काल में अभी एहतियात बरता गया है जो पिछली बार नहीं बरता गया था? जो पृथ्वी अगर ट्रेन चला देते तो कौन सा कोरोना फैल जाता? और आज क्या कर रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए? राम मंदिर की पूजा करने के लिए जब आप जा रहे हैं उसका जमावड़ा कर रहे हैं तो कोरोना नहीं फैलता है, और मजदूरों को अगर घर ट्रेन से भेज देते आप उसको तो उससे कोरोना फैल जाता। आपको सोचिए, आप अस्पताल चाह रहे हैं, आप कॉलेज चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, कि आप मंदिर आपको चाहिए? मंदिर की पॉलिटिक्स आपको चाहिए, या आपको चाहिए कि बजट के ऊपर में शिक्षा का 12% आपका खर्चा हो? सोचिए। मैं तो कह रहा हूं स्वर्ण समाज पहले सोचिए इसको, जो आप लोगों ने भूत लालू का जो बनाया था ना, सोचिए आप मुझे। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, और देखिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पहुंच चुके हैं बिहार में, और योगी जी जैसे बिहार में पहुंचे तो शायद कैमूर जिला था वो, कैमूर जिला जी, तो वहां पे उन्होंने रैली की। तो रैली करने के बाद उन्होंने कहा कि वो जातिवादी करते हैं, हम विकास करते हैं। मैंने कहा बात तो सही है भाई, वो लोग जातिवादी लोग हैं और आप तो विकास करते हैं। लेकिन उसी हिंदुस्तान की खबर में जो ये बात छपी हुई थी, वो जातिवादी हैं हम विकास चाहते हैं, उसका पहला ही लाइन है, क्या लाइन है मैं पढ़ना चाहता हूँ कि देखिए वो लोग कितना विकास कर रहे हैं। एक सेकंड जाइए जी, वो हिंदुस्तान अखबार का पहला ही लाइन है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने पढ़ दूँ, हाँ, ताकि आप ये मत कहिए कि मैं कोई बात अपनी अपने मुंह से कह रहा हूँ। देखिए ये हिंदुस्तान आज 20 अक्टूबर की खबर है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जब चुनावी जनसभा कर रहे थे कैमूर में, तो उन्होंने कहा हम लोग विकास की बात करते हैं और लोग जाति की बात करते हैं। तो मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव बात लेके योगी जी पहुंचे हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन उसी खबर में योगी जी क्या कह रहे हैं जानते हैं, क्या कह रहे हैं, अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूं, विश्वामित्र की तपोभूमि से जुड़ी रामगढ़ की भूमि हमने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू है, एनडीए की फिर सरकार बनाएं, फिर पाकिस्तान का नाम उन्होंने दोहराएं और कहें आतंकवाद पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाली बात कहकर उन्होंने खूब तालियां बढ़ती बटोरी। अब आप बताइए लालू जी और आपको ये क्या कह रहा हूँ मैं आपको, तेजस्वी, वो लोग जातिवादी हो गए और ये विकास पुरुष हो गए। तो भाई विकास पुरुष थे तो आपको जाके कैमूर में कहना चाहिए कि मैं स्कूल खोलूंगा, मैं कॉलेज खोलूंगा, मेरा बजट पे शिक्षा, आपको राम जी की बात करने की क्या जरूरत थी छुनी अयोध्या से? वो अयोध्या से राम को लाने वाले कोई कुरियर हैं, कोई कुरियर कंपनी है वो, उनको किसी ने कहा था कि अयोध्या जी को ले, राम जी को लेके यहाँ पे आ जाओ? क्या राम का मंदिर बिहार में नहीं है? क्या राम, क्या क्या आप बताइए, और जो राजनेता है उसको क्या जरूरत है राम का, मतलब जो पब्लिक पब्लिक जो प्लेटफॉर्म होता है उससे उससे धर्म का नाम लेने की क्या जरूरत है? आप बताइए, जरा सोचिए मेरे स्वर्ण समाज के लोग, अगर यही बात कोई मुसलमान कहता कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ, तो आप तो कहते बहुत कम्युनलाइज कर रहा है वो, बहुत कम्युनलाइज कर रहा है ये कर रहा है भाई, बोलिए, आप कहेंगे कम्युनलाइज कर रहा है वो मुस्लिम, लेकिन ये साहब क्या कर रहे हैं? और फिर पाकिस्तान, एक बताओ बिहार की राजनीति में पाकिस्तान का क्या रोल है? आप बताओ पाकिस्तान का नाम लेने की क्या जरूरत है? अरे पाकिस्तान तो पाकिस्तान से संबंध की कौन, अगर एक बार बताइए, सिंपल सोच के बताइए, पाकिस्तान से अगर कोई मामला बिगड़ता है तो उसको कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? भारत सरकार? उसको कौन ठीक करेगा? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसका लेना देना तो बिहार इलेक्शन से नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री का ना पावर विदेश नीति बनाने का है, ना मुख्यमंत्री का पावर रक्षा मंत्रालय को चलाने का है, तो क्या जरूरत है आपको पाकिस्तान का नाम लेने के लिए? अरे आप लोग को समझ में नहीं आता क्यों नाम ले रहा है वो, बोलो। अगर हम सुनना बंद कर दें, हम अगर वहीं पर खड़ा हो जाएं, ठीक है, पाकिस्तान की बात अगर कोई वित्त, कोई रक्षा मंत्री आके करे, कोई गृह मंत्री आके करे, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आके करे, विदेश मंत्री के, तो सुन लेंगे। आप मुख्यमंत्री, आपको क्या जरूरत है पाकिस्तान की बात करने के लिए? बताओ ना बिहार में आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपको पता है बीजेपी का अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया है, मैंने भी चेक किया, कोई कोई वेबसाइट बता रहा है कि अभी आएगा, बाद में विजन डॉक्यूमेंट आएगा, तो मैनिफेस्टो बनाने में आप पीछे और पाकिस्तान को घर में घुसने में आपको आगे, समझिए कुछ, समझिए 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 पॉलिटिक्स को, समझिए उनको, वो जातिवादी हो गए। क्या जातिवादी है आप बताइए? अगर स्वर्ण समाज के लोग अगर निचली जाति के लोगों के साथ अगर बुरा कर रहे हैं तो ये गलत है, इंसानियत के नाते गलत है, ये गलत है कि कोई 1000 बीघा जमीन रखेगा और किसी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होगा, बोलिए, ये गलत है? सबको बराबरी होनी चाहिए, आप बताइए। आप किसी के साथ छुआछूत करेंगे तो इसका विरोध नहीं होगा, किसी को उसके जातिवादक नाम से गाली देंगे तो इसका विरोध नहीं होगा, बोलिए।
और आप बताइए, अगर जिस भारत को आप लोग मजबूत करना चाहते हो, कैसे मजबूत बनेगा जब यहाँ के लोग कटते मरते रहेंगे, उनके बीच में कोई बंधुत्व तो नहीं होगा। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, राष्ट्र जो है, राष्ट्र कैसे बनता है, पूछिए आरएसएस के लोगों से, राष्ट्र कैसे बनता है? वंदे मातरम करने से राष्ट्र बनता है? जय श्री राम करने से राष्ट्र बनता है? राष्ट्र बनता है बंधुत्व से, जिसको अंबेडकर कह रहे हैं सोशल फीलिंग। है सोशल फीलिंग हमारे और आपके बीच में, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में है सोशल फीलिंग? दिल पे हाथ रख के आप बोलिए, है फीलिंग? जातिवादी 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 खुद ये लोग, मतलब कम्युनल एजेंडा कर रहा है। तो ये तो उनके साथ हो गया। तो मैंने कहा कि महागठबंधन का जो मैंने पढ़ा वो काफी अच्छा है। अच्छा, माले का भी आया है, सीपीआई माले का भी आया है, उनका भी मैनिफेस्टो मैंने देखा है। तो उनके पास जो लैंड रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें जो है वो काफी रेडिकल है, और उन्होंने उसको शामिल किया है, तो वो भी काफी मतलब काबिले तारीफ है, वो भी काफी मतलब प्रोग्रेसिव है। और कुछ और एक चीज बता दूं तेजस्वी के, उनके उनके मतलब मैनिफेस्टो से, एक सेकंड रुक जाइए आप जी। हाँ, उसमें क्या है कि नौकरियां तो किसी को नहीं मिल रही है, हम जैसे पीएचडी लोग भी बैठे हुए हैं, आपको पता है नौकरी का क्या हाल है। तो इन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख अस्थाई नौकरी। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन का जो परीक्षा का जो आवेदन शुल्क होता है उसको भी हम माफ कर देंगे। देखिए, तो ये काफी अच्छा है भाई। आपको पता है हम लोग लेक्चरर के लिए और कॉलेज के टीचर बनने के लिए क्या होता है, 2000-3000 रुपया ये लगता है, मतलब एडमिशन फी, उसका ये लगता है, पैसा लगता है। अब बताओ, जिस आदमी को रूम रेंट देने के लिए पैसा नहीं हो, वो कहाँ से 3000 रुपया देगा? और वो भी 3000 के बाद आप कब इंटरव्यू कराएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा का शुल्क खत्म होगा। फिर ये कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत परिवार के बजाय व्यक्ति को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष काम दिया जाएगा। मनरेगा का भी काम बढ़ाने की बात करें, एक सबके फायदे में है कि नहीं, आप बताओ? इससे यादव का फायदा होगा, बोलो कि सबका फायदा होगा? इसमें सिर्फ मुसलमान का फायदा होगा, इसमें सिर्फ पिछड़े का फायदा होगा? अगर शुल्क नहीं लगेगा एग्जामिनेशन का तो किसको फायदा नहीं होगा? क्या मुझे फायदा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा? अगर 10 लाख नौकरियां लगेगी तो सिर्फ इसमें यादव समाज को ही नौकरी लगेगी? और ये क्या कह रहे हैं कि पेंशन योजना जो है, पहले का पेंशन योजना 2005 से पहले वाले को वापस लाएंगे। आपको पता है पेंशन योजना क्या है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पेंशन को खत्म कर दिया था। आप पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, अपना खून पसीना बहा के देते हैं, और जब 62 साल 60 साल के होते आपको रिटायर कर दिया था, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप? जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस देश के लिए आपने पूरी जिंदगी दे दी, उसको पेंशन नहीं मिलेगा? तो आप बताइए, वो वाजपेयी का जो फैसला था कितना क्रूर फैसला था, जालिम का फैसला था, वो अत्याचारी था वो आदमी, जो जो अत्याचार पर वो था। आप बताइए, आप पूरी जिंदगी आप नौकरी करेंगे और बुढ़ापे में जब आपको दवा की जरूरत होती है, सहारा की जरूरत, उस समय पेंशन खींच लिया आपको, और कॉरपोरेट को बड़ा बड़ा फंड देने के लिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सोचिए, हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसमें सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? मुसलमान को पड़ेगी, हिंदू को पड़ेगी सबसे ज्यादा मार, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी में वही है, और हिंदुओं में स्वर्णों को पड़ेगी जो सबसे ज्यादा नौकरी में है। किसका भला किया इन लोगों ने, बोलिए, किसका नुकसान किया इन लोगों ने? और फिर वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि महिलाओं में जो समूह में और जीविका में काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने 4000 रुपए का मानदेय देने का भी उन्होंने ये किया है, घोषणा किया है। फिर स्मार्ट योजना की उन्होंने बात की है, स्मार्ट ग्राम योजना की बात की है, भूमि टैक्स जो है, लैंड टैक्स को माफ करने की बात की है, और एक और बात की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, संविदा को खत्म करने की बात की है। संविदा, संविदा का मतलब हिंदी में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ठेका का काम चल रहा है ना, अभी उत्तर प्रदेश में आया था कि ठेका पर नौकरी मिलेगी। अरे भाई बताओ, 35 साल हो गया नौकरी नहीं मिली, और तुम 40 साल के बाद नौकरी दोगे और 45 साल के बाद तुम मुझे रिटायर करा दोगे क्योंकि हम संविदा पे हैं? इससे बड़ा कुछ कुछ जुल्म हो सकता है किसी के खिलाफ? आप बताइए, तो संविदा होना चाहिए क्या? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बात कहेगी, और क्या जेडीयू बोलेगी कि हम जो संविदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की नौकरी, उसको खत्म करेंगे? बोलेगी? नहीं बोलेंगी, क्योंकि याद कीजिए, जहां बाजार नहीं है वहां बाजार क्रिएट करो, वही तो उनका काम है। और जो दर्द होता है ना वहां पे, उसको छुपाने के लिए राम मंदिर को और मुसलमानों को लड़ा दो, मंदिर और मस्जिद को लड़ा दो,
ताकि तुमको पता ही नहीं चले कहाँ बाजार क्रिएट नहीं हुआ है। पानी में बाजार क्रिएट हो गया, पानी नहीं, पैसा नहीं है तो पानी नहीं आएगा, सब्जी पैसा नहीं है तो सब्जी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है तो दूध नहीं मिलेगा। अब तो हवा भी लोग उसमें भी आ गया है पैसा, हर चीज़ों के अंदर में आ गया है पैसा, अस्पताल में पैसा, अब बच्चों के इलाज में पैसा, आपका कहने का मतलब प्रेगनेंसी अगर हो रही, डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पैसा। आप बताओ प्रेगनेंसी के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए पैसा लगना चाहिए? वो बच्चे बड़े होकर किसके लिए काम करते हैं आप बताइए? ऑस्ट्रेलिया में और बड़े मुल्कों में क्या होता है? पैसा मिलता है आपको, इंसेंटिव दिया जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी खत्म कर देंगे। अब देखिए, तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई दो ही कैंप के बीच में है, महागठबंधन और इनके बीच में और तेजस्वी के बीच में। तो मैं एक और बात कह रहा हूँ कि तेजस्वी का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और देखिए इनके अंदर में लेफ्ट के लोग आने से भी जो एजेंडा है वो काफ़ी जमीन से जुड़ गया है, वो एजेंडा आर्थिक एजेंडा जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी भी अब ये समझ रही है कि अगर उसको उसको अपनी खोई हुई ज़मीन को पाना है तो उसको भी नौकरी और रोज़गार की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो अलायंस है काफ़ी फॉर्मिडेबल दिख रहा है। अब कुछ लोग और भी हैं इसमें प्लेयर, सुन लीजिए, बस इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, उनको भी देख लीजिए उनको कौन कौन है। एक प्लेयर हैं जिनका नाम, वो तो उनकी तो राजनीति कोई अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी युवाओं में कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। उनका नाम है प्रिया, पुष्पम प्रिया चौधरी। एक सेकंड, ये कोई पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, हाँ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, ये शायद बाहर और सब पढ़ के आई हैं, लंदन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और वो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है जिसका पार्टी का नाम है द पुलर्स पार्टी। अच्छा, तो काफ़ी मतलब काफ़ी उन्होंने उनका जो मैनिफेस्टो आया था तो अखबार को मैं देख रहा था तो अखबार में एक बहुत ही बढ़िया एक हेडिंग लगाई थी, नेताओं के बेटे, अमीर के बेटे, गरीब के बेटे सब एक ही स्कूल में जाएंगे। तो इस तरह का उनका उनका क्या है ना, पब्लिक रिलेशंस जो है वो काफ़ी उनका तगड़ा है, पब्लिक रिलेशंस उनका काफ़ी तगड़ा है। और वो इस तरह से इमेज दे रही हैं कि ये सबका भलाई होने वाला है और कास्ट की राजनीति ने बिहार को बहुत बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, बिल्कुल बिहार ख़त्म हो गया, इस तरह की बात तो ऐसी बोल रही हैं। लेकिन उन लोगों से मुझे लगता है उनकी राजनीतिक जो है वो उसमें कोई दम नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो आर्थिक पॉलिसीज़ है उसके बारे में प्रिया चौधरी कुछ भी नहीं कह रही हैं। सुन करेंगे, प्रिया चौधरी कुछ भी नहीं कह रही हैं कि किस तरह की आर्थिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी। ये कह रही हैं कि जात पात समाज ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। वो मार्गरेट थैचर को भी कोट कर रही हैं जो कि इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री थी 1980 के दशक में, और वो बाजारवाद की बहुत बड़ी ये थी, लीडर थी, उनको दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था को लाने वाली थी। और हम कहते हैं ना कि मार्गरेट थैचर ने क्या किया, गरीबों के मुंह से रोटी छीनी, चीजों को और निजीकारी किया, उसको प्राइवेटाइज किया, पैसा बढ़ाया, मार्केट को बढ़ाया। तो उसी से एक लेवल तक वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। और वो ये कह रही हैं कि समाज का इसका कोई महत्व नहीं है। अरे भाई, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस जाति की वजह से किसी को लाभ ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम लाभ मिल रहा है, जिस जाति की वजह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो क्या उसका कोई रोल नहीं है? मतलब इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है? सोशियोलॉजी जो है, मतलब प्रिया चौधरी के माने तो कोई सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, आप बताइए। तो ये क्या कर रही हैं, बल्कि बिल्कुल इनसे भी हम लोग को खबरदार रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये लोग क्या है ना, कुछ जो मैनेजमेंट और आईटी जो कुछ पास किए हुए ऐसे लोग हैं, और जो लोग स्वर्ण मानसिकता के हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी जेन में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, वो इसी तरह के लोग हैं जो वो कहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अरे सबका विकास होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इस पर कभी बात नहीं करेंगे कि विकास तो सबका होना चाहिए, भला तो दलित का भी होना चाहिए और भला एक ब्राह्मण का भी होना चाहिए, भला तो हिंदू का भी होना चाहिए, मुसलमान का भी होना चाहिए, लेकिन भला क्यों नहीं हो रहा है? संसाधन पर किसका कब्जा है? पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे हुए हैं? मुसहर समाज के लोग कितने
पार्लियामेंट में गए हैं, मुसहर समाज का कितना डीएम बना हुआ है, दलित समाज का कितना पत्रकार है, कितनी महिलाएं जो हैं वो आपको वकील बनी हुई हैं, कितने निचली जातियों के लोगों के पास खेत हैं, कौन खेत का मालिक है, कौन मजदूर है। अरे खेत का मजदूर तो कुछ खासी जाति से आते हैं, सफाई करने वाले कुछ खासी जाति से आते हैं, दही बेचने वाले कुछ खासी जाति से आते हैं, चमड़ा बनाने वाले खासी जाति से आते हैं, ये बाल काटने वाले लोग भी तो किसी खासी जाति से आते हैं, और पूजा करने वाले भी खास जाति से आते हैं, मंदिर पर कब्जा करने वाले भी खास जाति से आते हैं, खाप पंचायत चलाने वाले भी खास जाति से आते हैं। तो जात की बात नहीं होगी, जात के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जात के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, और गैंग रेप हो जाता है तो जात के नाम पे आप हमलावरों का साथ देते हैं और कहते हैं जात ही नहीं है, जात का कोई, जात की कोई अहमियत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब बिहार में जब मोदी जी जाते हैं तो पिछड़ा हो जाते हैं, यदुवंशी हो जाते हैं, द्वारिका से आए हुए हैं, कृष्ण से अपने आप को जोड़ते हैं, जात नहीं है। पत्रकार मीडिया में जात नहीं है, यूनिवर्सिटी में जात नहीं है। अब बताइए कितने एडिटर हैं लोअर कास्ट के लोग, क्यों अपर कास्ट के लोग ही अखबार में जाते हैं? बोलिए निचली जाति के लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? सिंपल सा मेरा सवाल है, जमीन क्यों कुछ खासी जातियों के पास है? कोई ये थोड़े कर रहा है कि अपर कास्ट के लोग खाए नहीं और पिए नहीं। अरे भाई थोड़ा सा इंसाफ रखो, उसको थोड़ा सा इंसाफ करो, लोगों के साथ भी इंसान को इंसान समझो। प्यार मोहब्बत एक दूसरी चीज है, महिलाओं पे हमला दूसरी चीज है। तो ये कह रहे हैं कि जात पात का कोई रोल नहीं है। फिर कुछ लोग हैं जो आखिरी वक्त में बिहार में एक्टिव हो गए हैं, कुछ लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, कुछ लोग कल तक मोदी जी के साथ बैठे हुए थे। तो इन लोगों का भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता फ्यूचर है, और लोग बहुत सीरियसली इनको नहीं ले रहा है। और जो हैदराबाद से जो साहब आए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि भाई हैदराबाद से आगे सिकंदराबाद है, करीमनगर है, वहां जाओ, वहां जीतो, वहां से जीत के आओ, बिहार में आओ। और दिन भर टीवी पर बैठ के जो होता है ना हिंदू मुसलमान का डिबेट जो है ना संबित पात्रा से करके, तुम बहुत बड़े नेता नहीं हो सकते हो। तो ये भी है, मैं तो पिछली बार गया था, मैं तो माइनॉरिटी इलाके में गया, मैंने पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए हैदराबाद के नेता तो बात ठीक कहते हैं लेकिन उनका काम बिहार में नहीं है, इसलिए हम लोग सेकुलर अलायंस के साथ ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होगा वो सेकुलर अलायंस के साथ ही रहेगा, पूरी तरह से रहेगा मुझे लगता है, और भी ज्यादा तरीके से रहेगा। और लेफ्ट के इस गठबंधन में आ जाने से इस गठबंधन को और अच्छा दिशा मिला है, और बहुत सारी कमियां हैं अभी, ये सब तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुकाबला काफी कांटे का है, काफी कांटे का है। और हम लोगों को चाहिए कि देश की राजनीति को देखते हुए, कोरोना में मजदूरों की हालत को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, नौकरियां खत्म होते हुए देखते हुए, दिन भर हिंदू मुसलमान को देखते हुए जो कर रहे हैं, जो लोग जो राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं, जो लोगों को खाना देने के लिए भी भाग जा रहे हैं वहां पे, ये सब जो जो, जो पूछा हुआ ना, अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि शायद हंगर इंडेक्स में पता नहीं हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के हैं, ये ज्यादा जानते हैं। हंगर इंडेक्स में कुछ आप भी मैसेज कीजिए संतोष जी, हंगर इंडेक्स में इंडिया की हालत पड़ोसी मुल्कों से, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है साउथ एशिया के, उनसे भी नीचे। जीडीपी 23% नीचे, और यहाँ पे बन रहा है मंदिर, यहाँ पे नौकरियां खत्म। अरे भाई अर्थव्यवस्था में लोग खुशहाल नहीं रहेंगे तो देश कैसे खुशहाल रहेगा? इसलिए मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता को एक बार फिर मिलजुल के, एक बार फिर सब लोगों को मिलके एक प्यार मोहब्बत की जो राजनीति है उसका समर्थन करना चाहिए, और वैसा ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पॉलिटिक्स है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन हम सब लोग का कुछ ना कुछ तो ओपिनियन है ही है, तो हम यही चाहते हैं कि शांति अमन आए, लोग प्रेम से रहें, और जो खर्चा हो बजट हो वो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर हो। ये हिंदू मुसलमान करते करते दिल थक गया है भाई साहब, दिमाग पागल हो चुका है, मैं बता रहा हूँ।
और ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए समाज को एक बारूद के ढेर पर रख रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सही लोगों का हम इंतखाब करें, मैनिफेस्टो पढ़ें, देखें, और जो समाज के अंदर में सबसे निचले पायदान पर जो लोग बैठा हुआ है उसको केंद्र में रख के अपनी पॉलिसी बनाएं, और जात पात से ऊपर उठें तो जात पात से ऊपर उठने का, जात पात को खत्म करने का, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, जात पात से ऊपर उठने का, इसे खत्म करने का इलाज जात पात से आंख बंद कर लेना नहीं है। जात पात की बात करके जो नीचे बैठे हुए जो लोग भाई हैं उनको बराबरी की कुर्सी पे लाके उनको समान अधिकार देने से ही जात पात की चीज खत्म हो सकती है, और फिर जो नेशन की जो एनर्जी है वो काफी आगे बढ़ेगी। तो मैं तो मेरी जो समझदारी थी वो मैंने आपके सामने रखी, तो फिर आप लोगों बहुत देर तक बने रहें, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने लोग इसको सुनेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये काम कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं बिहार इलेक्शंस को देख रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो मेरे ट्विटर हैंडल पे या मेरे फेसबुक पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ, आप लोग भी अपनी मुझे राय दीजिए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने कमेंट करके अपनी उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, ओके, थैंक यू।